रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, ऐसे इशारा आ गया है और अब हम लोग जब कट जाएगी फिर से इसे हाँ बता दूंगी। ये कजरी झूला की कार्यशाला आज एक्चुअली मेरे लिए दूसरा दिन है, आप लोगों के लिए पहला है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने गले के स्केल के हिसाब से पुरुष और महिला दोनों के अलग कर लिए थे, क्योंकि एक ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता था। तो आज हम लोग काली पांच या ए शार्प से, काली पांच या ए शार्प से हम लोग ये कार्यशाला में आज सीखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि समय लगभग 36-38 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाँ 36 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और यहाँ भी कुछ नहीं तो कम से कम 35 लोग होंगे करीब। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इनको एक बार दिखा भी देना चाहते हैं। कैमरा ये रोटेट होता है, बैक कैमरा कर दो। हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, सब लोग हैं। अधिकतर चेहरे आप लोग के बहुत परिचित के हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा आगे से पीछे तक लोग बैठे हुए हैं काफी, और आप लोग सभी लोग आ सके होते तो बहुत ही अच्छा रहता, कोई बात नहीं। हम लोग आप शुरू करने जा रहे हैं, कुछ लोगों से हम यहाँ पे कार्यशाला में ही मिल पाते हैं, जैसे वैशाली सरकार और ये बार्सिलोना से है, स्पेन, पौशाली बेंगलोर और ऋषिका से भी हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, हंस नहीं रही है, हाँ हंसी है। तुम्हारी बहन कहाँ गई, उसको ही बुलाओ। अच्छा ये वैष्णवी त्रिपाठी, अच्छा पहली बार इससे ही देख रहे हैं, गोरखपुर से जुड़ी है। अरे शालिनी जी भी जुड़ी है, वाह वाह वाह, नमस्कार नमस्कार। यूएसए से जुड़ गई आप, इस समय आपके यहाँ तो दिन है, चलिए। अच्छा यूरोप से हमारे दो लोग जुड़े हुए हैं, एक एकदम बगल बगल दोनों का आ रहा है, आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, दोनों का चेहरा बगल बगल आ रहा है और दोनों ही स्पेन के हैं, दोनों ही स्पेन के हैं और दोनों का बगल बगल पता नहीं कैसे जूम को भी पता चल गया कि ये दोनों आसपास के रहने वाले हैं। एक है एलिना जी है, दूसरी है बेगोनिया जी, और इन दोनों के बगल बगल आ रहे हैं, और इनको कैसे पता चला कि दोनों ही स्पेन एक ही महाद्वीप के हैं। दिल्ली से अपूर्वा, दिल्ली से ही सुनंदा, अच्छा ये भी मजे की बात है, अपूर्वा सुनंदा भी बगल बगल है, दोनों ही दिल्ली से हैं, दोनों बगल बगल हैं। एक मुंबई से है, एक इंदौर से है, और इंदौर की दूसरी, सब महाराष्ट्रियों को एक साथ किया गया, पता नहीं कैसे जून को पता चल जाता है। और इस समय मानसी सालुंखे मुंबई, पूर्वा कवठेकर ये है कवठेकर इंदौर से, और ठीक उसके बगल में ही है कविता पेंडारकर, ये भी इंदौर से। तो एक मुंबई, बाकी दोनों मिनी मुंबई, क्योंकि इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है ना। अच्छा और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, सानवी है, रितिका तो ओडिशा से जुड़ी है, आबिरा कोलकाता से है, सबको बहुत बहुत स्वागत। शालिनी जी का वीडियो ऑन नहीं है, कानपुर से, और देव तो इधर ही बगल में है, थोड़ी दूर एक गाँव है वहाँ है विठलपुर, और व्योमिका दिल्ली से, व्योमिका सोच रही मेरा नाम क्यों नहीं लिया, नमस्ते। श्रेयसी दुखी मत हो, तुम्हारा नाम हमने सबसे पहले लिया है, मेरठ से, वाह पूरा के पूरा भारत क्या पूरा विश्व दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो। अच्छा बहुत सारे लोगों का चूंकि वीडियो ऑन नहीं है, जिनका वीडियो ऑन नहीं है तो उनके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि इसमें कई बनारसी हैं, वो जान रहे हैं कि उनको कहा जाएगा कि बनारस में रहती है तो क्यों नहीं आई, इसमें से एक अनन्या तिवारी, एक डालिया जूलिया और अनुष्का कर, सब बनारस के हैं, ये लोग अपना वीडियो ऑफ रखे हैं। इशिता तो ये कौन सी इशिता है, अच्छा इशिता ठाकुर मुंबई, ओके ओके,
हम क्या कीजिए, तो यहाँ सामने बैठी है। ओम पंत है क्या ये? अरे ये भी नहीं आया बगल से, नहीं इसका पर, हाँ ओके वैदे ही नहीं आई तो अच्छा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। आयुषी दिल्ली से है, वीडियो ऑफ है। वंदिता भाभी से अलग उसमें है, वो भी वैदे ही की बहन है। चल सब लोगों से हमारे लगभग इंटरेक्शन हो गया। अब जो लोग ऑफलाइन हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम इंट्रोड्यूस कर दें। आज पहली बार आई है ऐशानी से, और ये इसकी बहन, इसके भाई को आप लोग सुन चुके हैं, तबला बजाता है बहुत अच्छा, वेदांत सिंह। डालिया के प्रोग्राम में कई बार उसने बजाया भी है, और भी बजाया है मेरे ख्याल से अनन्या के प्रोग्राम में बजाया था ना, अनन्या के साथ। वो उसी की बहन है ये, और ये बहुत अच्छा बांग्ला भाषी ना होते हुए भी बांग्ला गाती है, और उसमें फर्स्ट भी आई थी, तो हमको बहुत खुशी हुई थी। और हमारे पास इस समय खुशखबरियों का अंबार है, लेकिन थोड़ी देर बाद बताते हैं। वो सोच रहा है कि हमको हमारे खबर को कब बताया जाएगा, लेकिन हम लोग भी नहीं बताएंगे। ठीक है, सब लोग पीछे से बैठे। भावना जी नमस्ते, और हाँ नमस्ते सबको। हाँ शिकार, हाँ 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 पवी नमस्ते। मत सब उसको मांगो, सब लोग बहुत परेशान करना है। नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते अब, और? बस बाकी जितने बहुत छोटे उनको हम नमस्ते करते, बाकी लोग वो हमें करते। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पहले ही घोषणा कर देते, इतने लोग सब सामने हैं फिर से, मतलब अभी तक ये घोषणा गई नहीं हमारे ग्रुप में, क्योंकि वर्कशॉप में हम लोग बिजी रहे हैं। कल इसी जगह पे वर्कशॉप नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे चार कम उम्र के कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसका एक इशिता चौबे का है, प्रज्ञा गुप्ता और यश अग्रवाल। यश अग्रवाल, इशिता चौबे, प्रज्ञा गुप्ता और तन्वी सहाय, शालवी पांडे, इनका ड्यूट। तो ये सभी कार्यक्रम ये चारों का होगा 7 बजे से 9 बजे तक, आधी आधी घंटा ये लोग चारों प्रस्तुति करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संगीत में देखना, सीखना और परीक्षा देना 3 स्टेज होते हैं, इसके बिना काम नहीं होता है। पुराने लोग कह के गए, देख्या सीख्या परीक्षा। तो देखना, जब आप दूसरे का सुनते हैं, ये भी एक चीज है। सीखना, ऑफ कोर्स क्लास में आएंगे सीखेंगे। और तीसरी बात होती है परीक्षा देना, यानी खुद गाना मंच पे। और मंच पे गाना ही हर मंच परीक्षा होती है। अगर मैं कहीं गा रहा हूंगा तो वो मेरी परीक्षा है, आप जहाँ गा रहे हो तो आपकी परीक्षा है, सबकी अपनी अपनी परीक्षा है। तो ये तीनों ही स्टेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग बच्चों को बीच-बीच में बुलाते हैं और उनको मौका देते हैं कि आप अपना कहीं ना कहीं प्रस्तुति जरूर करो। तो कुछ लोगों को इधर उधर हो जाता है, सुबह बनारस में गा दिया हमने सुन लिया, किसी ने कोई और समारोह में गा दिया सुन लिया, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसमें कल चार जो बच्चे गाएंगे, इसके बाद बाकी बच्चे भी अपनी अपनी तैयारी करेंगे, उनका भी नंबर आने वाला है। कुछ दिन पहले जैसे तुम्हारा सुना, इनका इनका भी होने वाला है, सबको नए हॉल में गाना है, ये सबकी इच्छा होती है। अब हम लोग आज हमारे साथ कल की ही तरह तबले पर डॉक्टर संदीप केवले। और इस बगल एक डॉक्टर, दूसरे बगल में दूसरी डॉक्टर, डॉक्टर रागनी शर्मा शिपाइन की प्राचार्य। दो डॉक्टर के बीच में एक मरीज देवाशीष देव, तो एक बीमार आदमी का इलाज दो व्यक्ति कर रहे हैं इधर। और हम कई सारी कजलियाँ आपके पास पीडीएफ के रूप में जा चुकी है अपने अपने ग्रुप्स में। पिछली बार हम लोगों ने ऑनलाइन कजली का किया था, ऑनलाइन कजली की कार्यशाला। मैं इसको बहुत सफल नहीं मानता, हालांकि होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें सिखाई गई थी वो लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति में अगले साल नहीं सुनाया। और रागिनी ने कुछ दिन पहले भी अपने यहाँ पे गाया, तो उसमें मैंने देखा कि कई सिखाए हुए कजरी भी बच्चे भूल चुके हैं, वो याद नहीं रख पाते हैं।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा रिपीट भी किया जाना चाहिए। तो आज हमने कुछ नए पुराने दोनों का संग्रह रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे कजरी में जो कजरी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा मुझे मेरा प्यारा मेरे दिल के करीब है, वो कजरी हम आपको पहले सिखा दे रहे, जिसमें से ज्यादातर लोग हमें लगता है कि उनको आती ही है, लेकिन लेट्स रिवाइज, फिर से किया जाना चाहिए, संगीत बार बार करने की चीज है। ये है स्केल ए शार्प, आप भी अपने यहाँ पर जिसके पास तार पूरा है लगा लीजिए, ए शार्प। और यहाँ पे तो है ही है, थोड़ा साउंड बढ़ा दो, किसी का मोबाइल अगर वो है उसको साइलेंट। जूम वालों के पास वो भी टाइप करके भेज दिया है हर्षित ने, कल भी भेजा था सबको, भेजे मनना भेजे अंगना मोते मो Oh,
रही है अगर, तो वो उसको फिर से रिफ्रेश करके नए सिरे से करो। फिर से ज्वाइन कर रहा हूं है।
बिना मोरा संगना जगह
ठीक लगा हाँ हाँ सुपर बेटर और सही हो अब सही है हाँ मुझे लगता है अब साउंड बेटर आ गया है अब हम लोग कैरियर चेंज किए दो तीन बार अलग अलग सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस से होता रहता क्या किया अब हम लोग एकदम स्टार्टिंग से फिर से गा रहे हैं जिससे कि फिर माहौल बन जाए वन टू थ्री शायद हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोती झरना Bye.
परसे मोरे नैना झिरे झिरे परसे मोरे Oh.
रघुबर झूल रहे अपने रोमन में सिया जी के संग में अपने को मंद में
आएंगे ज्यादातर सब मासे ही आते, केवल कुछ शास्त्रीय जो कजरिया होती जिसमें कजरी में था राग देश में है उसमें है तब सुनाई देती है, अदरवाइज मासे ही सब होती है। सामा इससे कैसे शुरू होता है तो रघुवन झूल रहे, रघुवर झूल रहे, रघुवर झूल रहे अपने उमंग में, अपने उमंग में सिया जी के, सिया जी के संग में, संग में रघुवर झूल रहे अपने उमंग में, रघुवर झूल रहे अपने उमंग में सिया जी के संग में। कई लोग सोच रहे हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम में इसका वीडियो बना के डालेंगे, अपने उमंग में सिया जी के संग में।
बोले सिया रघुवीर झूले सिया रघुवीर देखो सर झूके तीर झूके तीर झूले सिया रघुवीर झूले सिया रघुवीर देखो सर झूके तीर झूले सिया रघुवीर देखो सर झूके तीर झूले सिया रघुवीर हाँ देखो सर झूके तीर झूले सिया रघुवीर जी।
Yeah.
सखियां झूलत है अगल बगल सब सखियां झूलत है अगल बगल लिखा हुआ नहीं है वो बता दे कोई ना कोई हमारे यहाँ तक जिसको भी कहेंगे वो भेज देगा और आपके ग्रुप में बाद में कोई ये सब लोगों का सीखा हुआ है पहले से ये हमने रिवाइज करना किया कि कम से कम इसी बार नहीं कजरी के मौके पर याद हो जाए फिर किसी को लगेगा कि इंस्टाग्राम में पोस्ट करना चाहिए तो वो करेगा वैसे करते नहीं है लोग क्लासिकल होता है तो थोड़ा लोग सोचते हैं कि क्लासिकल करेंगे लोग क्या कहेंगे हैं और अगर वही थोड़ा सा लोगों को कवर करना होता है तो सब एकदम ऐसे जाते हैं लग रहा है कि कवर न होके एकदम क्या हो गया है और जब किसी को रहता है कि झूला धीरे से झूलाओ ये गाना रहे तो उसके लिए लोग सोचते हैं कि हमारा वैल्यू मार्केट में घट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है इसी की कीमत है आएगा समझ में धीरे धीरे और एलिना जी ठीक से हो रहा है सबको सब कुछ ओहो बोल भी नहीं पाए कुछ बोल नहीं देता है आजकल नहीं देता था 10 मिनट में तब नहीं देता है एक और बड़ी कॉमन कजरी है हम लोग के यहाँ की कॉमन है ऐसे है तो बहुत ही मूल्यवान सामग्री है ये इसमें ताल का प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है तो
अक्सर हम लोग जब घर में प्रैक्टिस करते हैं उस तबले से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमारे साथ सहयोग से केवले जी हैं, बहुत ही कॉमन वाला है, सब इस पर ज्यादातर लोगों को आता है, लेकिन फिर भी ये करना चाहिए। हमारे तुम लोग गा रही हो ना, उधर कोई नहीं गा रहा। हमारे सावरिया नहीं आए, सावरिया नहीं आए, सावरिया
दादरा बदल के दादुर मोर पपिया बोले
जल्दी 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 जल्दी।